क्या आपके पास भी है एंड्रॉयड फ़ोन एंड उसका ग्लास भी ख़राब हो गया है? तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज इसमें आपको बताएंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन का जो है वो। ये देखो मेरा जो ग्लास है, मैंने आपको पहले नहीं दिखाया बट बहुत ही बुरी तरीके से ये टूटा है। देखते भी क्या होता है। अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं मार्केट की तरफ एंड कुछ काम भी है। एक्चुअली मेरा मोबाइल भी ठीक करना है, उस टाइम नहीं हुआ था, तभी जाके करूँगी। तो चलो काम करके फिर मिलते हैं। अभी मैं आई हूँ मेरे एक फ्रेंड की शॉप में, पहले की ब्लॉग में देखा होगा। तो मैं आई हूँ मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है ख़राब हो गया, उसको चेंज करने के लिए। तो चलो चलते हैं, मैं ऊपर आ गई हूँ एंड अभी जाना है। तो चलो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ एंड चुपके दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। ये देखो वो कुछ तो भी कर रहा है एंड उसका अभी भी ध्यान नहीं है मेरी तरफ। हाय, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बिजी। मेरा एक काम था, ग्लास चेंज करना है। चलो मैं ग्लास चेंज कर लेती हूँ एंड ही इज आशुतोष, आपको पता है, मतलब बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। तो चलो मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ये देखो मेरा जो ग्लास है, मैंने आपको पहले नहीं दिखाया बट बहुत ही बुरी तरीके से ये टूटा है। देखते भी क्या होता है। यहाँ से पूरा स्क्रैचेस यहाँ तक, वेट। हाँ ये देखो अभी समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ से। तो कितना टाइम लगेगा? बस। मोबाइल मैंने उसके पास हैंडओवर कर दिया है, अभी वो ठीक करके ही देगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी मतलब ये दिखा देती हूँ कि ग्लासेस कैसे चेंज करते हैं। तो उसने पहले कुछ तो भी किसी के मदद से वो मेरा जो पुराना ग्लास था वो निकाला है। बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है ये काम, हर किसी के बस की बात नहीं है। आई थिंक मतलब कर सकते हैं अगर पेशेंस हो तो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जाएगा टेक्निकल के हिसाब से, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो स्पेशली लाया है। तो मैंने आशु से बात की थी कि जब तो ये मेरा मोबाइल का ग्लास जब चेंज करेगा तब मैं वीडियो निकालूंगी, तो उसने भी हाँ बोला, तो मैंने किया है। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब आपको हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक। ग्लास निकालने के बाद उसने किया है अच्छे से मेरी मोबाइल की धुलाई, आई मीन सफाई। तो सफाई करते करते उसका हाथ फिसल गया एंड वो गिर गया। आप सोच रहे होंगे मैं कुछ ऐसा बोलूँगी बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। तो उसने अच्छे से सफाई किया, मेरा मोबाइल एकदम चमकने लग गया। तो चमकते चमकते मेरा मोबाइल बोल रहा है कि क्या मैं मोबाइल ही हूँ या फिर कोई परी हूँ? तो ऐसा भी नहीं है। तो देखो अच्छे से उसने ग्लास लगाया है, मतलब लगा रहा है। तो बहुत ही शांतिपूर्वक उसने अपना काम किया है। अभी से शायद मेरे मोबाइल को बहुत टीका लगाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे वीडियो बनाया मोबाइल नहीं टिकता है, हमेशा नज़र लगती रहती है, हमेशा टूटता रहता है और हमेशा मैं आशु के पास आके उसको परेशान करती रहती हूँ। यहाँ पर हम कुछ बातें कर रहे थे अपने बचपन के और बुढ़ापे के भी। तो चलो बात ख़त्म हुई, मिलते हैं नए ब्लॉग में। ये वीडियो टेक्निकल बनाने के लिए मैंने अलग से शूट किया है। एक्चुअली मैं बर्थडे से यहाँ पे आई हूँ, तो ये ब्लॉग आपको पहले मिलेगा एंड बर्थडे वाला ब्लॉग आपको कल मिलेगा। तो होप आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा एंड पूरा ब्लॉग कैसा लगा एंड मेरे फ्रेंड से मिलकर कैसा लगा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड देखो ये हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, वो थोड़ा सा फिटिंग कर रहा है, मतलब टैप कर रहा है उस पर ताकि वो अच्छे से बैठ जाए एंड क्लीन भी कर रहा है। अगर आपको मोबाइल से रिलेटेड या फिर कोई भी काम हो तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसका नंबर जो है वो साइड में दे दूंगी। ये देखो हो गया है मेरा मोबाइल अभी एकदम ओके। जो टेंशन था वो तो गायब हो गया है, सिर्फ ग्लास के ऊपर से ही गया था, इसके मतलब स्क्रीन में कोई इफेक्ट नहीं गिरा। तो थैंक यू आशु, वेलकम। चलो मैं जाती हूँ एंड ये देखो पूरा व्यू आप एक बार देख लो, कितना अच्छा लग रहा है।
देखो घर। बाय बाय बाय।